और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, आगरा के श्री पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मॉक ड्रिल में मरीजों की मौत का दावा किया गया था, हालांकि जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत मानी गई है, लेकिन अस्पताल संचालक को क्लीन चिट दे दी गई। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, इस क्लीन चिट को लेकर और क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल फराज, जिस तरह से पारस अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ था और सरकार के निर्देश पर खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था, FIR दर्ज हुआ एपिडेमिक एक्ट के तहत, अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई है वो काफी चौंकाने वाली, इसमें पारस अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया है। और ये कहा गया है कि पहले DM ने 4 मौतों की बात कही थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में 16 मौतों की बात शामिल आई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 16 में से 14 मौतें जो है, 12 मौतें अन्य रोगों के कारण से हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस अस्पताल में मौतें हुई, जिसके अस्पताल के मालिक के खुद अपना वीडियो वायरल करता है कि 22 लोग छट लिए और उस अस्पताल के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं, कई पीड़ित परिवार सामने आते हैं, उसे अगर क्लीन चिट दी जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। हालांकि अभी जो पीड़ित परिवार है कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये मामला और तूल पकड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद इसमें कार्रवाई हुई थी, ADM सिटी, CMO और डिप्टी CMO की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन अब जो जांच रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें प्रशासन की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है और ये बात कहा गया है कि उनके पास ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी, लिहाजा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई और मॉक ड्रिल की बात जो है वो सामने नहीं आई है। तो क्लीन चिट फिलहाल दे दिया गया, अब ये देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से या पीड़ित परिवार की तरफ से क्या वर्जन आता है। जी शुक्रिया अजीत, बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा के श्री पारस अस्पताल को आखिरकार क्लीन चिट दे दी गई है।